बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी आलू के पकोड़े, जिसे बनाया है हमने ख़ास अपने आसान अंदाज से। दो बड़े आलू को हमने पतले स्लाइसेस में काट कर नमक वाले पानी में 1 घंटे भिगो कर रखा है। अब हम आलू निकाल कर छलनी में रख देंगे ताकि तमाम एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब हम पकौड़ों के लिए बैटर तैयार करेंगे। बेसन 1 कप, चावल का आटा 4 खाने के चम्मच, बारीक कटा हरा धनिया 2 खाने के चम्मच, साबित धनिया 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1.5 चाय का चम्मच, नमक हसबे जायका, अजवाइन 1/4 चाय का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, सोडा 1 चुटकी। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और पानी डालकर गाढ़ा बैटर तैयार कर लेंगे। तेल को हमने मीडियम हाई फ्लेम पर गरम कर लिया है। अब आलू बैटर में डिप करके पकोड़े फ्राई करेंगे। हमने जो चावल का आटा शामिल किया था, इससे हमारे पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी आलू के पकोड़े तैयार हैं। स्टीम चिकन बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 किलो चिकन। चिकन के हमने बड़े टिक्का पीसेस लिए हैं। अब हम इसमें डीप कट्स लगा देंगे। इस जगह पे कट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा यहाँ पे भी लगाएं आप कट, तो ब्लड नहीं आता जब हम चिकन को पकाते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप पानी। 1/2 कप सफ़ेद सिरका, 1 चाय का चम्मच नमक। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और 1/2 घंटे के लिए इसे रख देंगे। अब हम चिकन को स्ट्रेनर पर निकाल कर रख लेंगे ताकि तमाम इसका एक्सेस जो सिरका और पानी वगैरह है वो निकल जाए। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम चिकन को छन्नी में रख देंगे। ऑयल को हमने मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छी तरह गरम कर लिया है। अब हम इसमें चिकन के पीसेस ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। चिकन के पीसेस को हमें दोनों साइड से 3 से 4 मिनट फ्राई करना है। अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम चिकन को निकाल लेंगे। उसके बाद हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी बनती है ये और बहुत मज़ेदार होती है। दोनों साइड से हम चिकन को अच्छी तरह फ्राई करेंगे। हमने बस चिकन को 1/2 घंटे के लिए सिरके में मैरिनेट किया था। उसके बाद हम इसे फ्राई कर रहे हैं और अच्छे से इसका मसाला बनाएंगे। फिर मसाले में इसको मैरिनेट करेंगे और फिर देन उसको स्टीम कर लेंगे। विदाउट स्टीमर बनाएंगे आज हम चिकन स्टीम रोस्ट। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास स्टीमर हो तो आप बनाएं, विदाउट स्टीमर भी आप बना सकते हैं। अच्छे से फ्राई हो गई है चिकन। अब हम चिकन को निकाल कर ठंडा करेंगे। स्टीम चिकन की मैरिनेशन के लिए हमने लिए हैं यहाँ पे कुछ खुश्क मसाले। इसमें हमने लिया है भुना कुटा धनिया 1 खाने का चम्मच, 1 खाने का चम्मच हमारे पास भुना कुटा जीरा है। दोनों को हमने साथ मिलाकर पीस लिया था, मोटा मोटा हमने इसे क्रश कर लिया है। 1 चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 चाय का चम्मच हमारे पास सफ़ेद मिर्च का पाउडर है, 1 चाय का चम्मच हमने नमक यूज़ किया है, 1/2 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्ची हैं। मिर्चियाँ आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इन तमाम मसालों को 1/2 कप दही में शामिल करेंगे। 6 आलू बुखारे लिए हमने, उसे भिगा दिया था हमने गर्म पानी के साथ। अब हम इसको ऐड कर देंगे। बीज निकाल लिए थे हमने। 1 खाने का चम्मच हम इसमें अदरक लहसुन शामिल करेंगे।
दो खाने के चम्मच हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे, ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे इसमें तकरीबन आधा चाय का चम्मच। अच्छे से हमारी ये मैरिनेशन तैयार हो रही है। तमाम मसालों को हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। आलू बुखारा शामिल करने से बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाता है। जिस भी आप इसकी जगह ऐड कर सकते हैं उससे भी अच्छा टेस्ट आ जाएगा, लेकिन आलू बुखारे से डिफरेंट हो जाएगा फ्लेवर। बस अब हम ये चिकन पर लगा देंगे। अब हम फ्राई किए हुए चिकन पीसेस पे मसाला ऐड करेंगे। अच्छी तरीके से हमें इसे मसाले से कोट करना है तमाम चिकन पीसेस को। मसाला लगाने के बाद आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, और अगर चाहें तो आप इसे फ़ौरन भी पका सकते हैं। कढ़ाई में अब हम पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 3 से 4 कप हमने पानी ऐड किया है। पानी को हम गर्म कर लेंगे मीडियम हाई फ्लेम पर। अब हम इस पर छलनी रख देंगे। तकरीबन हर घर में छलनी मौजूद होती है। यहाँ पर मैंने लिया है फॉइल पेपर, अगर फॉइल पेपर ना हो तो आप बटर पेपर भी ले सकते हैं। अब हम इसके ऊपर चिकन के पीसेस रख देंगे। बहुत ही मज़ेदार ये स्टीम चिकन तैयार होती है। जो मसाला बचा है वो भी ऐड कर देंगे हम इसमें। अब हम इसे अच्छे तरीके से कवर कर देंगे। ये देखें स्टीम भी आना शुरू हो गई है। नीचे हमने चूल्हा जला दिया था, पानी अच्छी तरह गर्म हो गया है। 5 मिनट हम इसे तेज़ आंच पर पकाएंगे, उसके बाद हम इसे मीडियम लो फ्लेम पर तकरीबन 30 से 40 मिनट पकाएंगे। कवर कर देंगे इसको अच्छी तरीके से, तमाम स्टीम ताकि इसके अंदर ही मौजूद रहे। अब 40 मिनट्स हो चुके हैं, हम चेक करते हैं स्टीम रोस्ट। बहुत मज़ेदार सा स्टीम रोस्ट तैयार है। चिकन चेक कर लेते हैं, चिकन भी अच्छी तरह गल चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दूध का शरबत बनाने के लिए सबसे पहले हम कलरफुल पास्ता उबालेंगे। कलरफुल सेवइयां तकरीबन 1/4 कप हमने सेवइयां ले ली हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच चीनी, तकरीबन 5 मिनट हमने सेवइयों को उबाला है, ये अच्छी तरह उबल चुकी हैं। अब हम सेवइयों को छानेंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे। चीनी डालने से इसमें एक फ्लेवर आ जाता है। अब हमने यहाँ पे 1 कप पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। 2 खाने के चम्मच चीनी ऐड करेंगे। दो खाने के चम्मच चाइना ग्रास और मिक्स करते जाएंगे। जैली की जगह हम चाइना ग्रास यूज कर रहे हैं क्योंकि जैली बहुत जल्दी पिघल जाती है शरबत में। हम शरबत में जैली यूज नहीं कर रहे हैं, हम चाइना ग्रास बनाएंगे। अपनी मर्जी का कलर आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे ग्रीन कलर की चाइना ग्रास जमाऊंगी क्योंकि मैं शरबत में रेड कलर यूज कर रही हूँ। रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे 3 से 4 मिनट में ये मेल्ट हो जाएगी चाइना ग्रास। 3 से 4 ड्रॉप हम ग्रीन कलर ऐड करेंगे। अब हम इसे प्लेट में निकाल कर जमा लेंगे। हमने दूध बॉईल करने के लिए रखा है। अब हम इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे, 3/4 कप शुगर, 4 छोटी इलायची। दूध को तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाएंगे। दूध अच्छी तरह पक चुका है, दूध में से हम इलायची हटा देंगे। अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, साथ साथ चमचा चलाते रहें। दूध में हमें ज्यादा कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं करना, सिर्फ 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और 2 से 3 मिनट मजीद पकाएंगे। अब हम इसमें बादाम पिस्ता जितना भी आपको पसंद है वो डालेंगे। चूल्हा बंद कर देंगे और दूध को ठंडा कर देंगे। दूध ठंडा हो चुका है, अब हम इसमें कलरफुल सेवइयां ऐड करेंगे। 4 खाने के चम्मच लाल शरबत, 2 मलंगा हमने सोख करके रखा था, 2 मलंगा ऐड करेंगे। अब हमने जो चाइना ग्रास जमा के रखा था उसके छोटे छोटे पीसेस काटेंगे।
क्लोव्स ऐड कर देंगे। तमाम चीजें हमने ऐड कर दी हैं। अब हम इसमें बर्फ ऐड करेंगे ताकि अच्छी तरह ठंडा हो जाए। बहुत ही मजेदार दूध का शरबत रेडी है। आधा कप ऑयल, आधा कप बारीक कटी प्याज, बीफ कीमा आधा किलो, अदरक लहसुन कुटा हुआ एक खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, हसबी जायका नमक, ब्लेंड किए हुए दो मीडियम साइज के टमाटर, भुना कुटा सफेद जीरा एक खाने का चम्मच, कुटी लाल मिर्च एक खाने का चम्मच, साबित धनिया एक खाने का चम्मच, दही चार खाने के चम्मच, गरम मसाला पाउडर एक चाय का चम्मच, चाट मसाला एक चाय का चम्मच और गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए हरा धनिया, बारीक कटे टमाटर, प्याज और हरी मिर्चें। ऑयल को हल्की आंच पर गरम करेंगे और प्याज डालकर 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। अब डालेंगे हाथ का कुटा हुआ कीमा और कुटा हुआ अदरक लहसुन। वैसे तो आप इस रेसिपी को मशीन के कीमे के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन हाथ के कीमे से तवा फ्राई कीमे का जायका बहुत ही मजेदार हो जाता है। कीमे को 2 से 3 मिनट भुनने के बाद शामिल करेंगे हल्दी, हसबी जायका नमक और ब्लेंड किए हुए टमाटर। अब पानी शामिल करके कीमे को ढाप कर तकरीबन 40 से 45 मिनट तक अच्छी तरह पकाएंगे। कीमा अच्छी तरह गल चुका है। अब ऐड करेंगे भुना कुटा जीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, भुना कुटा हुआ धनिया, दही ऐड करेंगे और कीमे को मीडियम लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट भूनेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी होममेड चाट मसाला। चाट मसाले की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चाट मसाला ऐड करने से कीमे का टेस्ट बहुत ही मजेदार हो जाता है। पिसा हुआ गरम मसाला, अब आखिर में हरा धनिया, क्यूब्स में कटे हुए टमाटर, प्याज के लच्छे और हरी मिर्ची डालकर 2 मिनट के लिए कीमे को दम देंगे। बहुत बेहतरीन तवा फ्राई कीमा तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाएंगे खास इमली खजूर की चटनी, जो बनाएगी आपके इफ्तार को मजेदार। 12 खजूर को हमने गुठली निकाल कर गर्म पानी में 1 घंटे भिगा कर रखा है। आधा कप इमली को हमने गर्म पानी में 1 घंटे के लिए भिगा कर रखा है। नमक आधा चाय का चम्मच, चीनी 4 खाने के चम्मच, लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, भुना कुटा जीरा 1 चाय का चम्मच। अब हम इमली और खजूर को ब्लेंड करेंगे। और अच्छी तरह छान लेंगे। अब हम इसे हल्की आंच पर पकाएंगे और शामिल करेंगे नमक, चीनी, लाल मिर्च और जीरा। तकरीबन 10 मिनट हल्की आंच पर पकाएंगे। चटनी तैयार है।
अब हम चटनी को ठंडा करके जार में भर लेंगे। चटनी को ज़रूर ट्राई करें और इन्जॉय करें अपने इफ्तार स्नैक्स के साथ। साथ ही अपना ख्याल और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।